हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फोर लेक्चर ऑन सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे फोर लेक्चर, और आपने अभी तक अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उनको देख लीजिएगा, और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, और हमारी प्लेलिस्ट बनी है सेट थ्योरी के नाम से, वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी। क्योंकि आप जब तक वो देखेंगे नहीं तो आगे के लेक्चर्स भी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है हर चीज़। तो हमने अभी तक 3 लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था सेट्स का, जिसमें कि हमने सेट की डेफिनेशन बताई थी, कुछ एग्जाम्पल्स उसके बताए थे, और उसके बाद हमने कुछ सिम्बल्स बताए थे जो यूज होने वाले हैं सेट थ्योरी में, ठीक है। और सेकंड लेक्चर हमने लिया था टाइप्स ऑफ सेट्स पे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कितने तरीके के सेट्स होते हैं, और साथ में हमने ये भी बताया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, जिसमें कि रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म थी। और थर्ड लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए थे। तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, तो आप वो क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा, थर्ड लेक्चर में हैं, और उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फोर्थ लेक्चर सेट थ्योरी पे, और जिसमें कि हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्योंकि अब यहाँ से समझ लीजिए आपकी मैथ स्टार्ट होने वाली है। जो सेट थ्योरी की रियल मैथ्स है वो यहाँ से फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो मेनली दो ऑपरेशंस होते हैं सेट्स पे। तो पहला होता है हमारा, देखिए पहला कौन सा होता है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक। और दूसरा होता है इंटरसेक्शन, कौन सा होता है, इंटरसेक्शन। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आइए बताते हैं आपको। सपोज करिए ए और बी दो इवेंट बोल रहे, सॉरी ए और बी दो कोई सेट्स हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और साथ में बी के जितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को कंबाइंड करके अगर हम एक सेट बनाएंगे, दोनों को कंबाइंड करके, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यूनियन। क्या बोलेंगे, यूनियन। नाम से ही पता लग रहा है, यूनियन मींस एक साथ होता है, एकजुट होना। तो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स दोनों को पिक करेंगे, वहाँ पे एक सेट बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम यूनियन ऑफ सेट्स। और ध्यान रखिएगा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट ही होने चाहिए। तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 आ रहा और यहाँ पे भी 2 आ रहा तो आप दो बार 2 और 2 लिखें, ऐसा नहीं, हम 2 एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, सिंगल एलिमेंट्स उठाएंगे, ना कि उसको रिपीट करेंगे। तो रिपीटेशन यहाँ पे नहीं करनी है। तो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको फर्स्ट डे में बताया था, ठीक है। और इसीलिए बोल रहे हैं आपको, फर्स्ट लेक्चर हमारा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई यूनियन की, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन देखिए क्या होता है, मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स, ठीक, इसके कुछ एलिमेंट्स और इसके कुछ एलिमेंट्स दोनों आपस में कॉमन है, मीन्स ए और बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, ठीक है। तो ए में भी हैं और साथ में बी में भी हैं, कॉमन, ठीक, क्या है ये, कॉमन, ठीक, कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब उन कॉमन एलिमेंट्स का जब हम सेट बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, मीन्स ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट अगर हम बनाएंगे तो वो बोला जाएगा इंटरसेक्शन। क्या होगा ये, इंटरसेक्शन, ठीक, ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए और ये बी, ठीक है। तो ये बात हो गई इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आइए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं दोनों की क्या है। यूनियन ऑफ सेट में देखिए क्या बोल रहा है ये,
इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। अब देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके रखा ईदर और, तो ये समझ लीजिए एक तरीके से कोड वर्ड है। कोई भी स्टेटमेंट अगर ईदर और से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे ए यूनियन बी लगने वाला है। क्या लगने वाला है? ए यूनियन बी मीन्स ए और बी को कंबाइंड करके हम सेट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं बता चुके हैं, ए यूनियन बी, यहाँ पे यू बना दिया है, यहाँ पे यू नहीं यू ऐसे बनेगा यूनियन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखिए, सिम्बोलिकली रिटन एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो कोई एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या बी को, क्योंकि यहाँ पे और लगा है, हमने बताया ये कोड वर्ड होता है यूनियन का, तो और लगा है तो समझ लीजिए यूनियन है। और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि ए बी सी डी ई, ठीक है, पांच एलिमेंट्स हैं सेट ए में, और सेट बी में ए ई आई ओ यू। अब हमें इसका यूनियन लेना है, तो ये तो सारे एलिमेंट्स लेने ही हैं, साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहे हैं तो वो भी लेने हैं, जैसे कि ए इसमें भी ए इसमें, लेकिन हमें रिपीट नहीं करना है, तो सिंगल ही एलिमेंट लेना है। ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई लेंगे, और यहाँ का एलिमेंट देखिए ई आई ओ यू, ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बाकी ए तो है ही कॉमन, कॉमन से मैं मतलब नहीं, टोटल एलिमेंट्स में लिखने हैं, तो क्या बनेगा ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये दो, ये देखिए सेट हमारा जो बना, ये कौन सा सेट हो गया, यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो ये ए और बी का यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन पे चलते हैं, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स ए एंड बी। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे सेट और ए बी में, वो उसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। और सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इसका कोड वर्ड होता है एंड, तो याद रखिएगा अगर और लगा है तो यूनियन है, और अगर एंड लगा है तो क्या है, इंटरसेक्शन। तो ये कोड वर्ड्स याद रखिएगा और एंड का। तो यहाँ पे सपोज दैट ऊपर वाला एग्जांपल लीजिए ए और बी, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो ए कॉमन मिल रहा है, उसके बाद ई भी कॉमन मिल रहा है, तो ए और ई हमारा कॉमन मिल गया, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। तो ये बात हो गई इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, वो भी देख लेते हैं। अगर हम ए का ए के साथ यूनियन करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, ए में जितने एलिमेंट्स, भाई एक और हमने सेम इक्वल सेट उठा लिया ए, दोनों की यूनियन कराएंगे क्या मिलेगा, ए ही तो रहेगा, कोई एक्स्ट्रा थोड़ा ना आ जाएगा, क्योंकि अगर सेट चेंज होता तो एलिमेंट्स चेंज होंगे, यहाँ पे सेट सेम है तो भाई सेट बनेगा जो था। अच्छा, अगर फाई एम्प्टी सेट के साथ अगर हम कराएंगे यूनियन, देखिए एम्प्टी में तो कुछ होता ही नहीं, और सेट ए में एलिमेंट्स कुछ हैं, तो दोनों की यूनियन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं वही बच जाएंगे, तो सेट ए, यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू ए आएगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन कराएंगे, तो यूनिवर्सल तो तुम्हें पता ही है, यूनिवर्सल के अंदर ही सारे सेट्स आते हैं, तो ए यूनियन अगर यू कराएंगे तो यू के एलिमेंट्स जो होंगे, ए के एलिमेंट्स जितने भी वो तो यू में होंगे, और साथ में यू के कुछ अपने भी एलिमेंट्स होंगे, तो फाइनली सबसे बड़ा सेट कौन सा है यहाँ पे, यूनिवर्सल, तो यही हमारा सेट बन जाएगा जब इसको हम यूनियन कराएंगे। और फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि ए सेट है कोई, ठीक है, और इसके एलिमेंट कुछ दिए हैं, मान लीजिए ए बी सी दिया है, और एक हमारा दिया यूनियन सेट, ठीक, यूनियन सेट में भी दे रखा है ए बी सी, ये तो सारे ए होंगे ही, साथ में कुछ अपने भी एलिमेंट्स, मान लीजिए इसके डी हैं और ई है, तो ये पांच एलिमेंट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो वो सारे एलिमेंट हम हटा देंगे, किससे, यूनिवर्सल सेट से, मीन्स यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देंगे हम ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यू में ए बी सी डी ई लिखा है, और उसमें से हमें क्या हटाना है, ये वाले एलिमेंट्स हटा देने, तो क्या बचेगा, डी और ई बचेगा केवल, तो ये क्या बचेगा, डी, यहाँ पे क्या बचेगा, डी और ई, ठीक, तो डी और ई, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ए का, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन कराएंगे
तो देखिए एक ये है और एक ये है, इन दोनों की यूनियन करवा दो तो क्या मिलेगा? यही देखो हमें मिल गया यूनिवर्सल सेट। तो ये याद रखिएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, सिंपल ही है। इसमें भाई एलिमेंट्स तो चेंज नहीं होंगे, बस इनका ऑर्डर चेंज कर रखा है सेट। अब चाहे तुम सेट बी इधर लिखो और चाहे सेट ए इधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है एलिमेंट पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्सचेंज कर दो इनकी पोजीशन, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऐसे यहाँ पे अगर तीन सेट्स हैं तो ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी ले लें, तो क्या इसमें पहले लगा दीजिए और बाद में यूनियन लगा दीजिए, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, ये बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है, ये यहाँ पे यूनियन नहीं होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लीजिए जी ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? इंटरसेक्शन, ठीक, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, पीडीएफ में आप अब सही से देखिएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे प्रिंटिंग। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, अभी हमने पढ़ी थी यूनियन की, अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा, ए और ए का इंटरसेक्शन कराएंगे, जैसे कि ये सेट ए है कोई, ठीक है, और उसी का उसी के साथ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। अच्छा, फाई सेट है और ए सेट है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, फाई में बिल्कुल भी एलिमेंट्स नहीं है, हमें कॉमन चाहिए। तो कॉमन क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो दोनों में जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये तो भाई खाली है और ये इसमें कुछ नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा? एम्प्टी। तो दोनों में कॉमन क्या है? एम्प्टी, कुछ नहीं कॉमन है तो एम्प्टी बचा, सिंपली समझ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन फाई के साथ कराएंगे तो फाई बचेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन यू, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या बचेगा? तो ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है, यूनिवर्सल, इसके अंदर सेट ए है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? सबसे बड़ा तो ये है और ये बीच में उसके अंदर आ रहा है, तो कॉमन क्या? यही तो है दोनों में कॉमन, तो ये क्या है? ए ही तो है, तो ये इजिक्वल टू ए हो जाएगा। तो बेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाला पॉइंट है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये तो ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें? पूरा देखिए, कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सर्कल के अंदर जो लिखा है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? ये फाई हो जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज है। ऐसे यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तीन सेट्स हैं। लास्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है, हमने आपको बताया है। तो ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, जॉइंट सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं देख लीजिएगा। देखिए जॉइंट सेट क्या होते हैं? जिनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिले, मीन्स सेट ए है ये और ये सेट बी है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? जॉइंट सेट्स। कैसे हो गए? जॉइंट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यूनिवर्सल सेट के अंदर बंद है, ठीक। तो ये तो हो गया जॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट क्या होते हैं? डिसजॉइंट जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, बिल्कुल अलग अलग हो। तो ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। तो जॉइंट और डिसजॉइंट में आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। और डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इनकी। तो जॉइंट सेट्स में बोला है, द टू सेट्स आर सेट टू बी जॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट्स इन कॉमन।
कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। और कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है तो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जॉइंट सेट्स। तो ये मेन डिफरेंस है जॉइंट और डिसजॉइंट सेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट आपको बता ही चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में वही सेट घटा दीजिए तो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। जैसे कि ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है और यूनिवर्सल सेट भी दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, ठीक। यूनिवर्सल सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जैसे कि दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है। सेट्स कौन से हैं, ए एंड बी, दो सेट्स दिए हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे और बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल बी से, ठीक है। ये हमारा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। या तो एक और चीज़ होती है इसमें, देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस की, यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए। ए यूनियन बी ले लें और ए इंटरसेक्शन बी ले लें, ठीक है। एक बार यूनियन ले लीजिए, एक बार इंटरसेक्शन ले लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। यूनियन में इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा दीजिए तो ये भी हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो चाहे तो आप ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिख लीजिए, या तो या ये लिख लीजिए, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों ही सेम आएंगे आंसर। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ए में 1 2 3 4 5 लिया है यहाँ पे और बी में 1 3 5 7 लिया है और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, तो ए डेल बी निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यहाँ पे इन्होंने लिया है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में देखिए 1 2 3 4 5 और साथ में 7 भी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 भी ले लेंगे, ठीक है। ये तो यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले तो लिख लीजिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3, ठीक, 4 5 और 7, ये ए यूनियन बी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखें क्या है, 1 है कॉमन, साथ में 3 कॉमन है और 5, तो 1 3 5 ये कॉमन है। अब हमें यूनियन वाले में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटाना है, तो हम ये 1 3 5 हटा देंगे इस वाले पार्ट में, तो 1 3 5 हटा दिया, क्या बचा, 2 4 7, 2 4 7, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का हमारा एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। और सेकंड पॉइंट है ए माइनस फाइव इक्वल टू ए। अब देखिए सेट ए में एम्प्टी सेट घटाइए वो रहेगा, तो भाई एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, खाली, खाली जब उसमें कुछ है ही नहीं तो घटाइए चाहे जोड़िए, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेट ए ही बना रहेगा। और ए में ए को हटा दीजिए, मतलब ए से ए के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, फाइव बचेगा, ठीक है। ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी, बी माइनस ए और दोनों का इंटरसेक्शन, ये तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और यहाँ पे कम्यूटेटिव ला लग जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, ए डेल बी इज इक्वल टू बी डेल ए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपको हम बता चुके हैं, अभी पीछे बताया था यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ये भी बता चुके थे आपको कि इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाइव बनेगा, यूनियन कराएंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। अच्छा, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस किससे घटाते थे, यू से, तो यू माइनस यू क्या बचेगा, फाइव हो जाएगा, तो हमारा फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस फाइव, अब यू से फाइव घटाइए तो क्या बचेगा, ये यू ही तो बचेगा, तो ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा,
और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और हम आपके सोल्यूशन भेजने की कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।